तो आज हम बात करेंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ योर टीथ, ओरल हाइजीन मेजर्स, और इस विषय को मैं तीन में डिवाइड करूंगा। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर बिमल, मैं अपोलो हॉस्पिटल में डेंटल कंसल्टेंट, आई एम दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड मेरी स्पेशलिटी है बच्चों की डेंटिस्ट्री, साथ साथ ही मैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री भी करता हूँ। पहले हम सबसे छोटे या इन्फेंट्स की ओरल हाइजीन के ऊपर फोकस करेंगे, फिर हम 6 से 12 साल के बच्चों की जो ओरल हाइजीन है उसके ऊपर फोकस करेंगे, एंड फाइनली 12 साल से ऊपर और अडल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। सो टेकिंग पार्ट 1, जिसमें हम छोटे बच्चों के बारे में बात करें, इन्फेंट्स के बारे में बात करें। देखिए, जो नवजात शिशु है उसको दांत या उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता, ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बच्चों को ये बताए कि, या बच्चों को ये सिखाए कि खाना खाने के बाद, स्पेशली जब मदर्स फीड करती हैं बच्चों को, उसके बाद एक रिफ्लेक्स बनाए कि उसके बाद मुंह में कुछ जाना चाहिए जिससे बच्चे को लगे कि कुछ गया है, जिससे मेरे मसूड़ों को साफ किया गया है, क्योंकि छोटे बच्चों के दांत तो होते नहीं हैं, इसलिए उनको एक रिफ्लेक्स, मेंटल या न्यूरल रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, वो एक बन जाता है कि फीड के बाद कुछ ऐसा होता है जिसके कारण मेरे मसूड़े साफ किए जाते हैं, और ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, स्पेशली जो मदर्स हैं जो उनको फीड करें। तो इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, जैसे मैंने पिछले भी कुछ अपने टॉपिक में बोला था, मलमल का कपड़ा लेना है, उसके 3-4 टुकड़े लंबा ले लीजिए, स्ट्रिप 3-4 टुकड़े बनाइए, उसके अपने उंगली के बॉयल कीजिए, अपनी उंगली पर रैप कीजिए, और आफ्टर द चाइल्ड इज बीइंग फेड उसके बाद उसके मसूड़ों के ऊपर फेर दीजिए, ताकि कोई खाने का कण या दूध का कण या साथ ही साथ उसके बैक्टीरिया भी क्लियर हो जाए। ये तो रही छोटे बच्चों की बात, साथ ही साथ हम कुछ केमिकल एड्स भी यूज़ कर सकते हैं छोटे बच्चों में, जिसमें फ्लोराइड की ड्रॉप्स आती हैं। वो फ्लोराइड कुछ नहीं होता, ऐसा एक जैसे पदार्थ है जो मुंह के अंदर जो कीटाणु हैं उनके ऊपर एक्ट करता है। देन वी कम टू चिल्ड्रन हु आर, जैसे 6 साल से पहले के बच्चों के आपने देखे होंगे दांत सारे, 2-2.5 साल पे सब दांत निकल आते हैं, तब क्या करें? तब पेरेंट्स को बच्चों को खाने के बाद ब्रशिंग की इनकरेजमेंट देनी चाहिए। दिन में मिनिमम 2 टाइम्स ब्रशिंग ज़रूरी है, और ब्रशिंग भी ऐसे है कि 2-2 दांत लीजिए, बच्चों को सर्कुलर मोशन में कराइए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 2-2 दांत लीजिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम बॉटम ऑल्सो, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, और साथ ही साथ अंदर से भी करने हैं आपने साफ। और साथ में बच्चों के लिए एक अगेन फ्लोराइड का जो मिलता है हमारे को, ड्रॉप्स मिलती हैं, वो ड्रॉप्स लेके कॉटन पे लगा कर उस पर लगाया जा सकता है। कमिंग टू दी एज ग्रुप ऑफ 6 to 12 ईयर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप है, 6 साल पे बच्चों के परमानेंट फर्स्ट मोलर्स जिसको कहते हैं, खाने के जो चबाने वाले दांत हैं वो इरप्ट हो जाते हैं, फ्रंट के जो 4 दांत हैं, स्माइलिंग वाले जो दांत हैं वो इरप्ट हो जाते हैं, जिनको हम इंसाइजर्स कहते हैं, लोअर इंसाइजर्स इरप्ट हो जाते हैं, और बच्चा एक ऐसे मिक्स्ड से डेंटिशन के पीरियड में होता है जहाँ पे कुछ पक्के दांत होते हैं, कुछ दूध के दांत होते हैं। तो इन सबको मिला के साफ करना और इनको मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है फॉर द पेरेंट, ताकि आगे जाके बच्चे के दांत हमेशा के लिए ठीक हैं। इन दिस स्पेसिफिक एज ग्रुप हम बच्चों के लिए टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 500 parts per million, मैं दोबारा से आपसे कहूँगा 500 parts per million की टूथपेस्ट कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल है, कॉलगेट ब्रांड, पेप्सोडेंट ब्रांड, और भी ब्रांड्स हैं, चीरियो, ICPA, इनकी काफ़ी हैं। तो आप जब भी बच्चों के लिए स्पेशली 6 से 12 साल के टूथपेस्ट खरीदें, वो मत दीजिए जो अडल्ट टूथपेस्ट दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए स्पेसिफिकली 500 parts per million की टूथपेस्ट अवेलेबल है, वो लीजिएगा। इसको यूज़ कैसे करना है? एक तो जूनियर ब्रश लेना है, सॉफ्ट ब्रिसल्स का ब्रश लेना है, और मटर के दाने की तरह छोटा सा कण लगाना है और बच्चे को देना है ताकि वो ब्रश करे। अगेन ब्रशिंग सर्कुलर मोशन में होगी, लेफ्ट एक्सट्रीम से लेके राइट एक्सट्रीम या वाइस वर्सा, और सीधा बाहर के हिस्सों का और नीचे जाइए और उसी को घुमा दीजिए दूसरी तरफ, और साथ ही साथ ही अंदर के दांत भी हमने ब्रश करने हैं। सेकेंडली, एक पीडियाट्रिक माउथ वॉश भी अवेलेबल है जिसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा होती है, तो वो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि साथ में ऐड कीजिए, जिसमें फ्लोराइड है, आप फ्लोराइड से टूथपेस्ट भी कर रहे हैं और फ्लोराइड से माउथ वॉश भी कर रहे हैं। रात को कुल्ला करके सुला दीजिए, उसके बाद पानी का कुल्ला नहीं कराना,
ताकि वो दवाई का असर बना। ये तो रही 6 से 12 साल के बच्चों की बात। अब आफ्टर द एज ऑफ 12, जैसे अगर आपने देखा होगा बच्चों को जब हम कोई दवाई देते हैं तो छोटे बच्चों को हम लिक्विड में देते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक दो या कोई भी पेन किलर दो, वो एक सिरप में देते हैं। लाइकवाइज क्योंकि सिरप में उसकी मात्रा कम होती है दवाई, लाइकवाइज जब बच्चा 12 साल से बड़ा हो जाता है तो हम उसको गोली देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ही टूथपेस्ट में भी जो हम अडल्ट्स में करते हैं, दैट इज 1000 पार्ट पर मिलियन। सबसे छोटे में 250 जाती है, फिर 6 से 12 में 500 जाती है, 500 के बाद 1000 पार्ट्स पर मिलियन की सारी जितनी भी आप टूथपेस्ट देखते हैं मार्केट में अवेलेबल है उस पर लिखा होता है। ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंदर फ्लोराइड की अगर मात्रा 1000 पार्ट पर मिलियन हो वो इम्पॉर्टेंट होती है 12 साल से ऊपर की एज ग्रुप के लिए। ब्रशिंग बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने से पहले करेगा, लंच के बाद चाहे पानी से गीला करके आप खाने के कण निकाल दीजिएगा, और रात को सोने से पहले शुड बी द लास्ट थिंग। साथ ही साथ हम एक माउथ वॉश ऐड करेंगे, एंड उसके साथ मैं एक तीसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो है डेंटल फ्लॉस। वो और कुछ नहीं होता है, एक धागा, वैक्स धागा होता है जो या तो आपको रोल्स में मिलता है या प्री कट स्ट्रैंड में मिलता है या एक वाइट शेप का कंटेनर है जिसमें मिलता है। तो ये आप तीन चीज़ें स्पेशली एट नाइट, ब्रश, माउथ वॉश एंड फ्लॉस, या ब्रश, फ्लॉस एंड माउथ वॉश, इस रूटीन में आप करना है और रोज़ रात को फ्लॉस करके सोना है। और बच्चों को स्पेशली इस एज ग्रुप की हम अप एंड डाउन मोशन में ब्रश करवाते हैं, जैसे अगर ऊपर के दांत हैं तो उनको नीचे की तरफ आप साफ कीजिएगा, खाने के कण नीचे की तरफ निकालें, और नीचे के दांत हैं उनको ऊपर की तरफ साफ कीजिएगा, एंड लाइकवाइज अंदर के दांत भी उसी तरह साफ कीजिएगा। ध्यान ये रखना है कि हर एक दांत को ध्यान से साफ करना है। जो सफाई की टाइम होता है आइडियली बाय द बुक वो 3 to 5 मिनट्स होता है, बच्चा मिनिमम 3 मिनट्स ब्रशिंग करे और रात को सोने से पहले ज़रूर करे और फ्लॉसिंग करे साथ में। और अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप चाहे बेझिझक मीठे का सेवन कीजिएगा, बेझिझक कुछ फ्राइड खाइएगा, बच्चे को कुछ भी दीजिए, पार्टी में जाते हैं कोक्स पीते हैं, ये सब का बड़े ध्यान से आप आराम से पी सकता है अगर वो अपने दांतों का ध्यान रखेंगे। सो ये कुछ ऐसी विशेष टिप्पणियाँ हैं जो मैं चाहूँगा आप घर में ले आप इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, सो एज टू हैव अ नाइस हेल्दी स्माइल ऑफ योर चिल्ड्रन एंड अ ट्रबल फ्री ईटिंग हैबिट्स ऑफ योर चिल्ड्रन। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।